आज का सीन ये है कि अभी अज़र का फ़ोन आया है और उसने बोला कि दूसरे घर में आ जाओ, हमारा दोस्त है उनके घर। अभी पहुंच गया उनके घर और तो ही साहब अपनी महारत का मजाहरा कर रहे हैं और दरवाज़ा खोल रहे हैं। अल्लाह करे इनसे दरवाज़ा खोल जाए, कोशिश तो पूरी कर रहे हैं लेकिन अल्लाह कामयाबी देगा इंशाल्लाह। मेहनत करने वाले कामयाब होते हैं ज़रूर। और इसने कर दिखाया दरवाज़ा, फाइनली अभी नहीं खुला और एक बार फिर ट्राई करेगा। और ये अंदर का व्यू है, सब लोग बैठे हुए हैं किचन में। जाते ही छापा मारा और अज़र भाई जो है वो आटा गूंद रहे थे और इनके मसल्स देखें, ये सिर्फ आटा गूंदने की वजह से हैं और उसमें कोई कमाल नहीं है। और नवीद भाई अपनी टिक्कियाँ बना रहे थे कीमे की, जो कि बहुत ही मज़े की बनाते हैं। ऑलरेडी हमने खा के ट्राई किया हुआ है, इनके हाथ का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार है। और ये भी हमें बना के खिलाएँगे और फिर हम आपको बताएँगे कि इनकी टिक्कियाँ उनमें मसाला कैसा था, मज़ा आया या नहीं आया। लेकिन ना भी मज़ा आया तो कहना पड़ेगा कि मज़ा आया, क्योंकि उन्होंने इन्वाइट किया है। अगर ना कहेंगे तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं बुलाएंगे, सो हमने कहना पड़ेगा। और ओवन में अभी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, मेरे ख्याल टिक्कियाँ रखी हुई हैं ओवन में, देखते हैं क्या है। ओवन में भी टिक्कियाँ रखी हुई हैं और ये भी ऑलमोस्ट पकने वाली हैं, लेकिन अभी फुल पकी नहीं है। अभी जी प्रोसेस शुरू हो गया चटनी का, जो कि चटनी बहुत ही लाजमी है कीमा वाली टिक्की के साथ। अभी धनिया को अच्छी तरह काटेंगे और ताकि ये अच्छी तरह मिक्स हो जाए। उसमें दोबारा जो दूसरी चीज़ें हैं वो भी डालेंगे, जिनमें मेरा ख्याल है डालेंगे सब्ज़ मिर्च डालेंगे और उसके साथ हम डालेंगे लहसुन। हाँ, ये तुई भी डालेगा सब्ज़ मिर्च। और इसके बाद जो होगा हमारा प्रोसेस वो होगा लहसुन, लहसुन को भी इसमें ये मिक्स करेंगे ताकि सब का अच्छी तरह मिक्सचर हो जाए। अभी तुई अपने फन का मुजाहरा करेगा। तुई को भी हमने सारा कुछ सिखा दिया, जब ये नया आया था इसको कुछ नहीं पता था मेरी तरह। जो भी आदमी है वो प्रदेश में जाएगा तो ये सब तो लाजमी करेगा ताकि उसकी बीवी को तो सुकून हो ना। चलो तो ये अभी काटेगा जी लहसुन, ये लहसुन काट रहा है। और लहसुन काटने के बाद इसको अच्छी तरह हम ग्राइंड करेंगे और इसका मिक्सचर बन जाएगा। ये ग्राइंड हो गया और इसका ये फाइनल लुक निकला है। ग्राइंड करने के बाद अभी इसमें डालेंगे दही, और दही भी डाल दिया और जो हमारा मिक्सचर था उसको भी मिक्स कर दिया। इसको अच्छी तरह हिलाएंगे और इसमें अगर आपने कुछ मसाले डालने हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हमने ऑलरेडी जो कीमा है उसमें बहुत ज़्यादा मसाले डाल दिए और इसमें हम खाली नमक पे ही गुजारा करेंगे और यही हमारे लिए बेहतर है। नमक डाल दिया जो जितना जायका आप महसूस करते हैं उस लिहाज से, और फिर इसको दोबारा थोड़ा सा मिक्स करें ताकि जो नमक है वो अच्छी तरह घुल जाए, वरना वो एक जगह में बैठ जाएगा और आपके मुँह में आएगा तो जायका ख़राब होगा। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अभी जो फाइनल हमने करना है वो ये करना है कि इसको फ्रिज में रख देना, ऊपर वाले खाने में नहीं रखना गलती से भी। हाँ नीचे, ओ नहीं 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 नीचे नीचे नीचे, ऊपर क्यों जम जाएगा हर चीज़। हाँ नीचे रखेंगे और ताकि ये नीचे जमे ना, अगर ऊपर रखेंगे तो उसकी बर्फ़ बन जाएगी खाने तक। अभी ओवन में से जो माल पक गया उसको निकालेंगे बाहर, यानी कीमे वाली टिक्कियाँ, और इनकी लुक तो बहुत अच्छी नज़र आ रही है। अभी ये टेस्ट करके पता चलेगा कि ये ठीक है या नहीं। मेरे ख्याल में तो ये ठीक लग रही है क्योंकि ये ज़्यादा पकी नहीं हुई है, पूरी नॉर्मल पकी हुई हैं और इनकी लुक भी ठीक है। और अभी नवीद भाई जो है वो प्लेट में डाल रहे हैं और उसके बाद दोबारा जो दूसरी टिक्की है वो भी इसमें रखेंगे, क्योंकि कढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है यार, इसमें जल्दी पक जाती हैं। ओवन में कढ़ाई में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और इसमें ये भी है कि जलने का ख़तरा बहुत कम होता है, क्योंकि आपने जितना टाइम सेट करना उतना होगा। अभी ये दूसरा जो परागा इसको बोलते हैं कि वो भी इसमें रखेंगे ओवन में ताकि जल्दी काम ख़त्म हो जाए। कढ़ाई में यार बहुत टाइम लगता है, इसलिए हमने सोचा कि इसमें ही पकाएँगे, जल्दी पक जाएंगी। और अभी ये हो गया रेडी काम सारा। अभी मेरा ख्याल कितनी 9 टिक्कियाँ आई हैं इसमें, और इनको रखेंगे ओवन में और टाइम सेट कर देंगे तो ये जल्दी पक जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में औरतें पेड़े बनाती हैं, पर यहाँ पे हमारे मुख्तसर से सुनैन भट्ट साहब जो कि अपने मखसूस हाथों से ये पेड़े बनाते हैं, इंतहाई गोल और इंतहाई महारत से। ये देखें ऐसे पेड़े हैं जैसे कोई सूजी के पेड़े बना रहे हैं, इंतहाई महारत के साथ पेड़े बना रहे हैं। इनका रोटी पकाने का स्टाइल पूरे मलेशिया में फेमस है, रोटी का नाम से। अब रोटियां पकाने का मरहला शुरू हो गया। ये मरहला ज़रा थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि रोटियां ज़्यादा पकानी होती हैं, क्योंकि लोग ज़्यादा होते हैं, सो ये काम थोड़ा सा मुश्किल है। चलो कोई नहीं, दस
दस्तरखान लग चुके हैं और सब लोग रेडी हैं खाना खाने के लिए। ये जो लोग हैं ये हमारे बड़े हैं, इनसे ही हमने सीखा प्रदेश में और जब से आए हैं इनके पास ही हैं, और ये भी हमारे साथ अपने बच्चों की तरह, अपने जो बेटे हैं उनकी तरह सलूक करते हैं और हम भी इनकी बड़ी इज्जत करते हैं। सब लोग एक फैमिली की तरह यहाँ पर रहते हैं और अगर इस तरह ना रहे तो गुजारा नहीं।